dear student, today I am delivering lecture about the unit number 2, the miller, his son and their donkey. Ek chakki wala aur uska beta aur uska gadha. Once upon a time there was a miller who used to live in a little house beside his mill. एक दफ़ा की बात है कि एक चक्की वाला एक छोटे से घर में रहता था अपने मिल के करीब. All the day he would work hard, but would return home to his wife and his little son at night. वो सारा दिन जो है सख्त मेहनत करता था, फिर घर को लौटता था अपनी बीवी और अपने छोटे से बेटे के लिए रात को. One day the miller made up his mind that he would take his donkey to the fair and sell it. एक दिन चक्की वाले ने अपने जहन में मंसूबा बनाया कि क्यों ना अपने गधे को जो है वो अच्छे तरीके से सेल कर दूँ उसको. So he and his son said goodbye to their lady and started off. इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कहा कि चलो अब चलते हैं और अल्लाह हाफिज़ करके चलना शुरू किया. They tried their donkey very slowly. उन्हों वो चलने लगे तो उसका जो गधा था वो आस्ता चल रहा था. For they thought they would have a better chance to sell it if they kept it in good condition. तो उन्होंने फिर सोचा कि हम जो है अच्छा जो हमें मौका मिला है सेल करने के बेचने के लिए इसको, तो इसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हालत मनस की अच्छी हो, किसकी डोंकी की. एज द वॉक अलोंग द हाईवे, जैसे कि वो हाईवे के करीब चल रहे थे, सम ट्रैवलर्स स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एट देम. कुछ जो मुसाफिर थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया उन पर. What foolishness it is to walk when they might have a donkey to ride on. उन्होंने कहा क्या ये बेवकूफ़ है कि ये ऐसे चलें जबकि इनके पास एक जो है ताकत अच्छा सा गधा है, उन पर सवारी क्यों नहीं कर रहे. और उन्होंने चिक्का क्राइड वन, उसमें से एक चिक्का बोला. The most stupid of theory is not to one Jew would expect it to be. और ये बहुत बेवकूफ़ हैं तीनों, और उनको समझाना या इनसे तवक्कुल रखना बेकार है. ओके, प्लीज टर्न द पेज नंबर 2. द मिलर डिड नॉट लाइक ट्रैवलर्स टू बी लॉफ्ड एट, सो ही टोल्ड हिज सन टू क्लाइम अप एंड राइड. तो चक्की वाले ने मुसाफिर की जब ये हंसता हुआ उन पे हंस रहे थे वो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा गधे पे चढ़ो और सवारी करो. एज दे वेंट अ लिटिल फर्दर अलोंग द रोड, जब ये जो है थोड़े से मुफासले पे रोड के करीब पहुंचे तो थ्री मर्चेंट पास बाय. ओहो, व्हाट वी हैव देयर, तो तीन जो ताजर थे या सौदागर थे वो वहाँ से गुजर रहे थे. उन्होंने कहा ओ ये जो है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहा है. वो चीख कर बोले, रेस्पेक्ट ओल्ड एज यंग बॉय, गेट डाउन एंड लेट द ओल्ड मैन राइड. उन्होंने कहा कि एक इज्जत वाला ज़ई एज का या बूढ़ा आदमी जो है और जवान आदमी जो है वो वहाँ पे गधे पे सवार है, जबकि एक जो बूढ़ा आदमी है वो नीचे चढ़ रहा है. हार द मिलर वाज नॉट टायर्ड, जो चक्की वाला था वो थका हुआ नहीं था. ही मेड द बॉय गेट डाउन एंड क्लैप अप हिमसेल्फ टू राइड जस्ट टू प्लेस द मचर्ड. और उन्होंने कहा कि अब लड़के को के नीचे उतर जाओ, और वो खुद सवारी करने लगा जैसे कि उन पे जो सौदागर थे या ताजे थे उनको खुश करने के लिए. एट द नेक्स्ट टर्नस्टाइल दे ओवरटूक सम वुमेन कैरिंग बास्केट लोडेड विथ वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स टू सेल. और जब जैसे कि वो आगे बढ़े तो उन्होंने फिर थोड़ा आगे चल के देखा कि कुछ औरतें जो थी वो बास्केट जो हैं वो उठा के आ रही थी, उसमें सब्जियां थी और दूसरी चीज़ें थी बेचने के लिए. लुक एट द ओल्ड फूल, उन्होंने कहा देखो ये ज़ईफ जो है बेवकूफ़. एज टाइम वन ऑफ देम, उनमें से एक चिक्कर बोली, ही इज़ सिटिंग ऑन द डोंकी व्हाइल द पुअर बॉय इज़ टू
वाह, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक जो है इतना बुरा आदमी जो ज़ईफ है वो उस पे गधे पे बैठा है, जबकि एक जो लड़का